बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ट्रेंड्स हाई स्कूल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर ऑफ क्लास वन। टुडे वी हैव द लेक्चर ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास साइंस की वन क्लास की बुक है, जिसमें हम यूनिट नंबर वन साइंस के बारे में रीड कर रहे थे। साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, मीन्स के साइंस किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करने को, उस पर सर्चिंग करने को, उसके बारे में मुशाहिदा करने को, या उस पर कोई भी तजर्बा करने को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट। जैसा कि अब ये सारी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकी एक एक क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, तो आप इन पर और भी मज़ीद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एंड के बारे में पढ़ा था कि इट हैज़ सिक्स लेग्स। एंड जो होती है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, सिक्स लेग्स होती हैं। अब आप इसके अलावा देखें, आप इसमें और भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसके कलर के बारे में, इसके साइज़ के बारे में, तो या ये क्या चीज़ है। एंड जो है एक इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक या ब्राउन। नेक्स्ट हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, इट हैज़ फोर पेटल्स। तो स्टूडेंट्स, सारे फ्लावर्स की पेटल्स फोर नहीं होती, या सारे फ्लावर्स का कलर जो है येलो नहीं होता। आपने अपने सराउंडिंग्स में भी देखे होंगे, डिफरेंट फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं, वाइट होते हैं, पिंक होते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, डबल कलर के फ्लावर्स भी होते हैं, और उनकी पेटल्स डिफरेंट स्टाइल्स की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स फोर ही होंगी, सिक्स भी होंगी, टेन भी होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एप्पल के बारे में, एन एप्पल इज़ रेड। एप्पल किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एप्पल सिर्फ रेड ही नहीं होते, एप्पल येलो कलर के भी होते हैं, एप्पल पैरट ग्रीन कलर के भी होते हैं, कुछ एप्पल्स स्वीट होते हैं, कुछ एप्पल्स सोर भी होते हैं। उसके बाद है लीफ, अ लीफ इज़ ग्रीन, यानी कि पत्ता जो है वो किस कलर का होता है, सब्ज़ कलर का होता है। तो पिक्चर में आपको जो शेप दिखाई गई है लीफ की, सिर्फ यही शेप नहीं होती, आप ऑब्ज़र्व करें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, आपने देखा भी होगा कि लीव्स जो होते हैं उनके कलर्स ग्रीन के अलावा और भी होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं। कलर्स की तरह उनके साइज़ और शेप्स भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद था टी, टी इज़ हॉट। तो चाय कैसी होती है, चाय गर्म होती है, आप सब नाश्ते में पीते भी होंगे। नेक्स्ट आइस है, आइस इज़ कोल्ड। तो बर्फ़ तो ठंडी होती है, और बर्फ़ आप लोग पानी में भी डालते हैं, जूस में भी डालते हैं, उसको ठंडा करने के लिए। उसके बाद अ स्टोन इज़ हार्ड। स्टोन क्या होता है, स्टोन की क्वालिटी क्या है, वो हार्ड होता है। डिफरेंट साइज़ के स्टोन्स होते हैं, तो सारे स्टोन्स जो होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेली है, जेली इज़ सॉफ्ट। आप सब ने जेली खाई भी होगी, जेली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। और जेली के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हॉर्स, अ हॉर्स इज़ स्ट्रांग। ये किस एनिमल की पिक्चर है, हॉर्स की, यानी कि घोड़े की। और हॉर्स की क्वालिटी क्या है, कि वो स्ट्रांग होता है, उसकी लेग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉर्स जो होते हैं वो टोंगास के आगे भी बंधे होते हैं, वेट खींचते हैं, उनको कार्ट्स के आगे भी बांधा होता है, तो उनकी स्ट्रांगनेस की वजह से उनको वेट खींचने के लिए आगे लगाते हैं, बांध देते हैं कार्ट्स के साथ। हॉर्स आप सब ने देखा है, हॉर्स का वाइट कलर भी होता है, ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, और कुछ बच्चों ने हॉर्स राइडिंग भी की होगी। हॉर्स काफ़ी तेज़ स्पीड में भागता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है टर्टाइज, अ टर्टाइज इज़ स्लो। टर्टाइज कैसा होता है, इसके ऊपर हार्ड शेल होता है, और ये कैसा होता है, स्लो होता है, और ये स्पीड में बहुत स्लो चलता है। टर्टाइज कैसा होता है, इसका हार्ड शेल होता है, आमतौर पे इसका कलर ब्राउन होता है, ये अंडर वाटर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। और टर्टाइज को उर्दू में क्या कहते हैं, कछुआ, कछुआ कहते हैं। अ किटन इज़ वीक। किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। किटन कैसा होता है, वीक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उसकी वीक वीक सी लेग्स होती हैं,
किटन्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, आप सब ने देखे होंगे। और ये एक बहुत इनोसेंट एनिमल है, यानी कि बहुत मासूम सा जानवर है। इसकी स्किन कैसी होती है? इसकी स्किन पे फर होती है। तो स्टूडेंट्स, किटन कैसा एनिमल है? किटन इज़ अ वीक एनिमल, ये एक कमज़ोर सा जानवर होता है। नेक्स्ट है माउस। अ माउस इज़ स्मॉल, चूहा छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने देखा होगा माउस यानी कि चूहा। तो ये कैसा होता है? साइज़ में बहुत छोटा सा एनिमल है ये। इसका कलर ब्राउन भी होता है, ग्रे भी होता है, आपने देखा भी होगा। और इसके टीथ बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से काट लेता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ा, आपने भी अपनी सराउंडिंग्स में इनको ऑब्जर्व करना है, और बाकी भी डिफरेंट एनिमल्स के बारे में ऑब्जर्व करना है, उनकी क्वालिटीज़ देखनी है, उनका कलर देखना है। और जो आज हमने रीडिंग की, इसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 1 क्लास की साइंस के रिटर्न वर्क की तरफ। रिटर्न वर्क में हम यूनिट नंबर 1 साइंस के पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, ड्रा एन एंट, हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव। मतलब के एक एंट ड्रा करेंगे हम, एक चींटी हमने ड्रा करनी है और बताना है कि उसकी कितनी लेग्स होती हैं। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द लिविंग थिंग्स एंड पुट अ सर्कल राउंड देम, मीन्स इन पिक्चर्स में से हमने क्या किया था, लिविंग थिंग्स को सर्कल किया था। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको समझ आ गई होगी लिविंग थिंग्स के बारे में। तो हमने इनमें से कौन कौन सी लिविंग थिंग्स थी, फ्लावर था, बर्ड है, एनिमल्स में से कौन सा है, बिग एनिमल्स में एक एलिफेंट है, कैट है और फिश है। ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ये खाती हैं, ये सांस लेती हैं, ये हरकत करती हैं और इनके बेबीज होते हैं। तो इन लिविंग थिंग्स को हमने सर्कल किया था। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर, ये हमने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज करना था, जिसमें पार्ट ए है, एन एंट हैज 6 4 लेग्स। तो एंट की कितनी लेग्स होती हैं, 6। 6 को हमने टिक मार्क किया था। एंड एप्पल इज ब्लू रेड। तो बताइए स्टूडेंट्स, एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड। रेड को हमने टिक मार्क किया था। नेक्स्ट, अ लीफ इज ग्रीन रेड। लीफ कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ग्रीन को हमने टिक मार्क किया था। लास्ट वन, जेली इज हार्ड सॉफ्ट। जेली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट पे हमने टिक मार्क किया था। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने अपनी कॉपी का पेज क्लास वर्क के लिए रेडी करना है। क्वेश्चन क्या है, ड्रा एन एंट, हाउ मैनी लेग्स इट हैव। हमने क्या करना है, एक एंट ड्रा करनी है और बताना है कि उसकी कितनी लेग्स होती हैं। तो आप सब ने पढ़ा है कि एंट की कितनी लेग्स होती हैं। हम एंट ड्रा करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद इससे थोड़ा सा स्मॉल सर्कल, सेम ऐसा सर्कल और बनाएंगे, और लास्ट सर्कल थोड़ा सा ओवल शेप में, लाइक दिस। एंड की कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स। इसकी आई होगी और लिप्स होंगे। ये हमारी बन गई एंट। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, इसकी लेग्स के बारे में कि कितनी होती हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, चुंटी की टांगे कितनी होती हैं। यस, वेरी गुड। It has 6 S I
एक्स, सिक्स लेग्स, हाउ मेनी लेग्स इट हैव, इट हैज सिक्स लेग्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, हमने एंड ड्रॉ की और उसकी लेग्स के बारे में बताया कि उसकी सिक्स लेग्स होती हैं। आपने भी ड्रॉ करनी है अपनी कॉपीज़ के ऊपर प्यारी सी अच्छी सी, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और उसकी लेग्स बतानी है कि कितनी है। इट हैज सिक्स लेग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।